वेलकम बैक गाइस टू द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ पबजी प्रेजेंटेड टू यू बाय टीम बीगल। 92 प्लेयर्स आ चुके हैं, 1107 हो चुका है, गेम स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक प्लेयर को गलती से किक कर दिया था, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं यहाँ पे टीम 10 में, तो वो बस आ जाए उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, मालूम है 11-0 थी गई छे, पर टीम 10 में एक प्लेयर मिसिंग, जो लोग भूल गए नहीं टीम में प्लेयर ने किक करना गलो, तो 60 सेकंड में एना पाछू अवाई जैसे जे एक मिनट पहला जैसे हमें चालू कर देवी जो। टीम 10 में एक प्लेयर मिसिंग छे, एक टीम प्लेयर मिसिंग छे। 92 प्लेयर्स हो गए हैं यहाँ पे, टीम 21 में कोई मिसिंग है, टीम एक्सपोर्ट्स के यहाँ आई ही नहीं है, पूरी स्क्वाड नहीं है। ये और गेम स्टार्ट हो चुकी है, और ये बताना तो मैं भूल ही गया कि आज मैप मीरामार है, एरेंगल नहीं है। ये 93 प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पे, मीरामार का मैप है आज, बहुत लंबा गेम चलेगा क्योंकि अपने में वैसे भी लास्ट जोन तक भी 15-15 टीम बचती है, सर्वाइव करती है, तो देखते हैं आज कौन सी टीम निकालेगी चिकन डिनर। वेट करते हैं प्लेन के डायरेक्शन का, अब माधा मीरामार यहीं पे छूट जाएगा क्योंकि प्लेन बहुत नीचे से जा रहा है, बहुत नहीं मतलब थोड़ा नीचे से जा रहा है, तो थोड़ा मीरामार छूट जाएगा। लेकिन देखते हैं अपने प्लेयर्स यहाँ पे जाते हैं कि नहीं गाड़ी लेके कहीं और लूटने के लिए, एंड तक फाइट करने के लिए ये लोग वेट करेंगे या नहीं। दो स्क्वाड जा रही है यहाँ पे, सीधी टीम एमओडी और टीम बीगल, यहाँ पे कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे बहुत सारी स्क्वाड उतरी है, यहाँ पे इंजन की भी स्क्वाड, यहाँ पे टीम 22, टीम इंडिया भी उतर चुकी है, टीम बैड बॉयज भी उतर चुकी है और टीम सिनिस्टर भी उतर चुकी है। लेकिन यहाँ पे टीम बीगल और एमओडी और टीम इंडिया तीनों टीम साथ में जा रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने प्लेयर्स हैं, एक स्क्वाड मुझे दिख रही है यहाँ पे, दूसरी स्क्वाड यहाँ पे, तीसरी स्क्वाड यहाँ पे, यहाँ पे तीन स्क्वाड जा रही है, लेकिन एमओडी की स्क्वाड ने टर्न मार लिया है। क्रूज डे वैले पे जाएंगे, यहाँ पे दो टीम, टीम इंडिया और हिटमैन टीम बीगल, सारी स्क्वाड ने जंप करते हुए उनके राइट साइड डायरेक्शन में ही आगे बढ़े हैं, वो लोग लेफ्ट में मोस्टली एक ही स्क्वाड गई है जो कि है टीम 18 की, टीम ब्लेंडर की स्क्वाड है, बाकी सारी स्क्वाड अभी भी देखो सीधी एक लाइन में है, कोई भी कहीं भी अलग टेढ़ा नहीं गया। टीम इंडिया यहाँ पे आ चुकी है, टीम बीगल उनसे राइट में निकल चुकी है, मोस्टली टीम बीगल अभी भी हवा में ही है, यहाँ पे हिटमैन बीगल परफेक्ट लैंडिंग कराते हैं, पहले से पैराशूट ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से वो आगे तक अकेले पैराशूट के साथ ही जा सके। अब यहाँ पे फाइट होने के चांसेस, ओ भैया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्क्वाड मुझे यहाँ पे दिख रही है और 8वीं भयानक की स्क्वाड भी यहीं पे जा रही है, कौन सी जगह है,
चुम्मा सेरा है, चुम्मा यहाँ पे एक दूसरे को बंदूक से चुम्मा देंगे ये लोग। आज इतने सारे प्लेयर है, 25 की 25 सारी स्क्वाड है यहाँ पे मीरा मार में, और ये एक ही जगह पे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 स्क्वाड है। और कर्मा ने ब्लेंडेड एक्सट्रे को डाउन भी कर दिया है, और यहाँ पे भी फाइट शुरू हो ही चुकी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखते हैं किसको ज़्यादा लूट मिलेगी। एमओडी की स्क्वाड शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे इग्नाइट क्लच को यहाँ पे, लेकिन हंटर को पीछे से डाउन कर दिया है, हंटर को फिनिश ही कर दिया है यहाँ पे। इग्नाइट बड़ी, इग्नाइट की स्क्वाड को हमने बैन से हटा दिया है। अरे यार कहाँ पे है इग्नाइट भी, अपना ही प्लेयर गवा चुके हैं। पिक्चर फिनिश हो चुके हैं, सामने हंटर फिनिश हो चुके हैं। 3 AM की भी फाइट शुरू हो चुकी है, यहाँ पे टोटल पता नहीं बहुत सारे प्लेयर हैं। यहाँ पे अनमोल की स्क्वाड भी यहीं पे उतरी है, शिकारी आश ने इग्नाइट इन्फर्नो को डाउन करके फिनिश कर दिया है, और यहाँ पे MS रॉकी को फिनिश कर दिया है इग्नाइट क्लच ने। शिकारी आर्च के 2 प्लेयर गवा चुके हैं, MS रॉकी और MS हेला। यहाँ पे जेनोन, यहाँ पे कर्मा की भी स्क्वाड, यहाँ पे एमओडी यशराज फिनिश हो चुके हैं, देवू भी फिनिश हो चुके हैं। टीम एक्स इन्फोनो की यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा किल हो चुकी है स्टार्टिंग में ही। टीम एक्स इन्फोनो की 3 किल हो चुकी है, मैजिक स्केयर मतलब यहाँ पे एमओडी की स्क्वाड ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है। शायद एमओडी का स्लॉट नंबर 1 तो 2 है, वो जिंदा है, देख लेते हैं वाइप आउट में। जी हाँ, एमओडी की एक स्क्वाड पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है। फिलहाल GTH MG भी डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे अनमोल की स्क्वाड का 1 प्लेयर यहाँ पे गवा चुके हैं, और यहाँ पे कर्मा बहुत बड़ा GTH MG को फिस्ट से ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे कर्मा ने फिस्ट से ख़त्म कर दिया है GTH MG को। थर्ड आई रोम लगता है यहाँ पे ऑफलाइन है, अनमोल निकल चुके हैं इनको छोड़ के शायद। शिकारी आश अभी भी यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। चाहे तो कीप इट अप, थैंक यू सर। स्पाई हैरी को स्पॉट किया यहाँ पे शिकारी आश ने, बहुत कम हेल्थ, सिर्फ एक शॉट की ज़रूरत है। स्क्रीमर ने शेखर बॉस के में 0.50 कैलिबर की भी फाइट शुरू हो चुकी है। लगा था मीरामार में शांति होगी, स्टार्टिंग में फाइट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वाड ऑलरेडी वाइप आउट, ये दूसरी स्क्वाड यहाँ पे स्क्रीमर जो कि इग्नाइट की स्क्वाड है, इग्नाइट रचिक और स्क्रीमर MD स्ट्राइक्स और एक और प्लेयर अभी आएगा, नहीं 3 ही थे शायद। ये स्पाई हैरी की हेल्थ ऑलरेडी बहुत कम है, और यहाँ पे स्पाई हैरी भी डाउन हो चुके हैं। शिकार यार्ड्स ने स्पाई हैरी को भी डाउन कर दिया है। कैप्टन की फाइट दिखाओ, कैप्टन आपने टीम नंबर बताया, मेरे को हर बार स्लॉट्स देखना पड़ता है। कैप्टन लेजेंड अकेले यहाँ पे, बाकी जी नहीं, उनके चारों 3 प्लेयर्स हैं, 1 प्लेयर को गवा चुके हैं। थर्ड आई गेमिंग भाई रूम से बाहर फेंक दिया मेरे को, मैंने देखा ब्रो अभी भी आप गेम के अंदर हो, आप ऑफलाइन नहीं हो, यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहे हो। आप देख लो मेरे लाइव में दिखा रहा हूँ, आप ऑफलाइन हो, पता नहीं फिर आपको क्यों फेंक दिया गेम के बाहर, फिलहाल आप ऑफलाइन बैठे हो। कैप्टन की रिक्वेस्ट आए तो कैप्टन की स्क्वाड के पास चलते हैं। फिलहाल अब यहाँ पे कितनी स्क्वाड है, थर्ड है रोम ऑफलाइन बैठे हैं, शिकारी आर्च और MS वोटेक्स। यहाँ पे कर्मा के प्लेयर्स बहुत नजदीक है इग्नाइट के प्लेयर्स से, जी हाँ जेनॉन कर्मा ने स्मोक बना के नीचे तो आगे कवर में। टीम 15 की भी रिक्वेस्ट है, लेकिन दिखा दे भैया एक मिनट, टीम 15 कौन सी है आपकी, टीम 15 है कौन सी है, नाम क्या है आपका, सुपारी किलर्स जी दिखा दें। 2 मिनट पहले यहाँ पे फाइट कवर हो गए, यहाँ पे जेनॉन कर्मा शायद खतरे में है, पता नहीं। यहाँ पे कर्मा के 3 प्लेयर बाकी हैं, इग्नाइट के 2 ही प्लेयर, इग्नाइट बड़ी और इग्नाइट क्लच, और कैप्टन अमेरिका ने थर्ड आई रोम को डाउन कर दिया। थर्ड आई रोम आप ऑफलाइन थे और आपको इन्होंने फिनिश कर दिया है कैप्टन अमेरिका ने। अरे जेनॉन थंडर क्या करते हैं देखते हैं, थंडर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थंडर यहाँ पे बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बस लेटे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मस्त आराम से लेटे हैं, शायद रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जोन के बाहर रेस्ट करना है यार, जोन के अंदर आके सो जाओ, कौन मारो। यहाँ पे उठा दिया इन्होंने, नींद खराब कर दी बेचारे की यार, सोने देते शांति से। और यहाँ पे लूट लेके आए हैं जेनॉन कर्मा, लूट लेने आए थे इन दोनों के प्लेयर, यहाँ पे सेफ बैठे थे कब से, बिना मूवमेंट दिए स्मार्ट वर्क किया है यहाँ पे जेनॉन कर्मा ने। हंटर को गवा बैठे थे, लेकिन यहाँ पे उनके प्लेयर्स अगर ख़त्म ना हो जाए इसलिए वो शांति से बैठे थे। टीम सिनिस्टर की भी रिक्वेस्ट है, तो अब सिनिस्टर को देख लो। टीम सिनिस्टर भैया पूरी तरह से सेफ है, उनके आजू बाजू कोई नहीं है, तो अभी सिनिस्टर से मैं हट जाता हूँ। कैप्टन की रिक्वेस्ट आई है, तो तब तक एक बार टीम सॉरी सुपारी किलर्स की रिक्वेस्ट है, तो सुपारी किलर्स दिखा देते हैं।
सॉरी, मैंने सुपारी किलर्स को मैप में दिखा था। टीम 19 सेफ ही है कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे। यहाँ पे टीम 5 और टीम 7, टीम लीथल और टीम डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट के प्लेयर एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक है। एक बार टीम लीथल के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे। इनको पता है कि प्लेयर्स यहीं पर है। यूट्यूब डाहियाम और दूसरे प्लेयर का नाम स्पेल करना बहुत ही अघरा है। जी हाँ, मैं इंग्लिश और हिंदी और गुजराती सबको मिक्स करके बोलता हूँ। और 3M के प्लेयर्स ने दूसरी फाइट शुरू कर दी है। 3M ने एक स्कोर तो वाइप आउट कर रही है ऑलरेडी MOD की। यहाँ पे एक और प्लेयर को फिनिश किया, पता नहीं किसको, लेकिन अभी भी दो ही टीम वाइप आउट हुई है, टीम MOD और टीम इग्नाइट। अभी रिक्वेस्ट आई है बैड बॉयज की, बैड बॉय का एक बार स्लॉट नंबर बताएंगे सर आप प्लीज़। आप टीम का नंबर लिख दीजिए, मैं सीधा आपको वही दिखा दूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे टीम 20 में मेरे पास कोई दूसरी टीम है। बैड बॉयज आज नहीं खेलना ही है, मैं भूल गया आपको कहना, बैड बॉयज आज खेलने नहीं आई है ओम पटेल। अब इंसेन की रिक्वेस्ट आई है तो इंसेन दिखाते हैं। इंसेन बहुत ही सेफ है, सबसे बहुत दूर है, लेकिन टीम MOD उनसे थोड़ी नज़दीक है, थोड़ी। जिप भी बैठे हैं पीछे गाड़ी में, आराम से खड़े हो गए यहाँ पे, कुछ पकड़ लेना चाहिए नहीं तो गिर जाएंगे। इंसेन, हर्ष और जिप भी निकल चुके हैं अपने टीममेट्स को लेने। इंसेन जोकर शायद ऑफलाइन लग रहे हैं मुझे, पता नहीं, या लूट रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जोकर को डाउन कर दिया है। अब ये कौन सी, ओके, टीम लीडर की फाइट शुरू हो चुकी है। किलर ने वेपन म्यूटेंट और यूट्यूब दहीदाम एजेस सर ने उनको डाउन कर दिया है। वेपन म्यूटेंट फिनिश, पिंटो फिनिश, और एक ही प्लेयर बाकी है। यूट्यूब दहीदाम नॉक है तो उनका एक ही प्लेयर बाकी रहना चाहिए, जो कि है नो आइडिया क्या नाम है। अब दहीदाम ओपन में आए हैं तो इनको उनको फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अगर देखते हैं बैटमैन नेट डालते हैं कि नहीं, और मॉली डाला है यहाँ पे, उनके ऊपर गिरा है कि नहीं, नहीं गिरा, बच गए। लेकिन किलर आ चुके हैं घर के अंदर, नहीं आए, हमें लगा पहुंच गए। तीन प्लेयर्स अब कूद गए इनके सामने और बैटमैन ने भी फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे बैटमैन की एक किल, किलर की एक दो, और एजे सर की एक किल है। शो टीम भयानक, तो अब भयानक के पास चलते हैं। जोकर अभी डाउन हुए थे, रिवाइव हो चुके हैं। यहाँ पे स्पाई हैरी को तो फिनिश कर दिया था शिकारी आर्च ने। सामने टीम 16 है, टीम पैब्लो, पैब्लो एस्कोबार। 16 के दो ही प्लेयर लग रहे हैं यहाँ पे। बयान है कैसा 26 ओपन में घूम रहे, बैड गाय भी ओपन में जा रहे हैं, पता नहीं क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी होगी इनकी। और बैड गाय को स्पॉट, भयानक को स्पॉट भी किया इन्होंने, नो आइडिया ये क्या कर रहे हैं। और ये गाड़ी क्या कर रही है आपने शायद गाड़ी को नोटिस किया कि नहीं, मुझे पता नहीं, उछल रही थी ओपन में। और कर्मा ने MS वोटेक्स को भी डाउन कर दिया है। कर्मा दिखा देते हैं यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे टोटल 3 स्क्वाड है, इग्नाइट क्लच और उनके दो प्लेयर व्रज सोनी अनमोल। अनमोल भैया, अब अनमोल की रिक्वेस्ट बहुत आती है, शाउट आउट टू अनमोल भाई। अनमोल का ही रूम है आज, आज नहीं बहुत सारे दिन से, 7 दिन का कार्ड थे उनके पास। अकेले प्लेयर बाकी है, एक प्लेयर को रूम से निकाल देता, पता नहीं क्यों, शायद मैप के में कुछ प्रॉब्लम। यहाँ पे बीगल की स्क्वाड के पास आ चुकी है MOD की स्क्वाड। अनमोल कहाँ पे भाग रहे हैं, ये रहे अनमोल, भागे जा रहे हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं टीम बीगल के पास, इनके नज़दीक आ रही है टीम MOD। MOD एसिड और डीमन मेरे को दिखा रहे हैं नज़दीक में, लेकिन नहीं, दूर है। लेकिन फिलहाल इंसेन की गाड़ी यही तरफ आ रही है, इन्हीं की तरफ आ रही है। और गाड़ी आ चुकी है इंसेन की, बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक। तो यहाँ पे पहली फाइट इन दोनों के बीच में अगर देखने को मिल जाए, यहाँ पे ओपन में निकले शेड बीगल ने शायद स्पॉट किया होगा उनको, निकल चुके हैं यहाँ पे, नहीं गाड़ी नहीं निकली, यहीं पे खड़ी है। सारे मैप डाउनलोड है पर पता नहीं क्यों, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इंसेन की गाड़ी निकल चुकी है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि किसी प्लेयर को निकाल दिया है, हमने नहीं, गेम ने, टीम पॉइंट 50 कैलिवर के एक प्लेयर के साथ हुआ था, वो भी पेड टूर्नामेंट में हुआ था ऐसा। तो फिलहाल यहाँ पे जैनिम ने बैड गाय को डाउन कर दिया, यहाँ पे भयानक की स्क्वाड खतरे में, बैड गाय को फिनिश कर दिया है। 3 वागे सू करे, 3 वागे रेस्ट नहीं करता था ना, इनको नहीं, 5 के रह गए थे। डेक्स्टर गेमिंग,
હવે મારે સેના પર જવું જોઈએ. કઈ ટીમ બતાવી આપણે? ઓકે ભયાનક કહાં હૈ ભયાનક. વાઇપઆઉટ હો ચુકી હૈ ક્યા? જી નહીં, તીન હી સ્કોડ અભી ભી વાઇપઆઉટ. અભી ભી 22 સ્કોડ અલાઇવ હૈ. કેપ્ટન બની ડાઉન હૈ. સામને કોણ સી સ્કોડ હૈ? યહાં પે ટીમ ઇન્ડિયા કે પ્લેયર્સ આ ચુકે. યહાં પે કેપ્ટન બની કો ડાઉન કર દિયા. ઝેનોન ફિનિક્સ કો ડાઉન કર દિયા. કેપ્ટન ડબલ એને ફિનિક્સ કો ફિનિશ કર દિયા હૈ. और रेक्स पार्टन ने सामने स्पॉट तो किया प्लेयर को, लेकिन टेस्ला सकीब ने उन्हें डाउन कर दिया है. कैप्टन सैम ने इंडिया यश को डाउन करके फिनिश कर देंगे. यहाँ पे बहुत कम हेल्थ उन्होंने, उनके प्लेयर ने रश कर दिया इनके ऊपर. यहाँ पे टीम 19 वाइपआउट हो चुकी है. फोर्थ स्क्वाड वाइपआउट होने वाली. और यहाँ पे टेस्ला टीम 20 ने भी यहाँ पे रश कर दिया. बैड बॉय के प्लेयर, जो कि बैड बॉय नहीं है, पता नहीं उनके बदले कौन सी टीम है, वो टीम ने यहाँ पे रश तो कर दिया. यहाँ पे टीम 22 के ऊपर टीम सुपर रिकिलर है जी भैया है. यहाँ पे क्रेटोस ने एमएक्स वोटेक्स को भी डाउन कर दिया. फिलहाल ये फाइट दिखा देते हैं. यहाँ पे फायर टीम फायर, इनका मुझे एंड में नाम याद आया. टीम फायर के सामने यहाँ पे टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं. और ये गलत नहीं है, बॉल पे लग के इन्हीं के ऊपर गिरा है, बच गया है खुद के ऊपर, बहुत नज़दीक नहीं था. कैप्टन रेक्स अभी भी डाउन है. और इंडिया है नहीं, इनके सामने से निकले हैं, तो अभी इनको फ्लैंक कर देना चाहिए. और जी हाँ, यहाँ पे फ्लैंक कर दिया है फायर कुरेशी ने. इंडिया वायरल सामने, उनकी हेल्थ ऑलरेडी कम है और नॉक हो चुके हैं, फिनिश हो जाएंगे. फिनिश कर दिया. इंडिया हैनल भी सामने आ चुके हैं, लेकिन वो निकल चुके हैं साइड पे से. गन चेंज, अरे भैया M762 है, कौन रोक सकता है यह गन को. और यहाँ पे प्लेयर दिख चुके हैं. इंडिया हैनल भी डाउन हो सकते हैं, बहुत कम हेल्थ है उनकी, 1 HP हेल्थ है. यहाँ पे टेस्ला सकीब. और यहाँ पे दूसरे प्लेयर आया गया है इंडिया यश, तो उसको डाउन करके फिनिश कर देंगे. और फिनिश कर दिया इंडिया यश को भी, नहीं किया, बच गया 1 HP हेल्थ में. उनको नॉक होने के चांसेस बहुत ही बढ़िया थे. और यहाँ पे टीम इंडिया पूरी वाइप आउट हो चुकी है. कुरेशी टीम फायर ने यहाँ पे बहुत बड़ा रश किया. यहाँ पे 5 क्लिक हो चुकी है. सामने वाली स्क्वाड को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया. सुपारी किलर्स है भैया, आज है सुपारी किलर्स का नंबर है टीम 15. चलते हैं, ये रही सुपारी किलर्स, शांति से बैठी है यहाँ पे 0 क्लिक के साथ. जोन छोटा होते हुए अभी भी 19 स्क्वाड अलाइव हैं. शिकारी आर्स के सामने आ चुकी है टीम लीजल. यहाँ पे शिकारी आर्स अकेले प्लेयर बाकी है अपने स्क्वाड की ओर सामने भाग के जा रहे हैं सीधा टीम लीजल के पास. देखते हैं टीम लीजल ने उनको स्पॉट करते हैं कि नहीं. और निकल चुके हैं यहाँ पे गाड़ी में, उनके लेफ्ट साइड से जा रहे हैं. लेकिन माउंटेन्स का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इनके पास. टीम 15 की फिर से रिक्वेस्ट आई है, तो टीम 15 के पास चलते हैं. सुपारी किलर के पास निंजा वाइटी और 3M मिस्टेक. यहाँ पे अंतर्यामी को डाउन करके फिनिश कर दिया, तो 3M दिखा देते हैं भैया. थ्री एम के सामने है टीम 9. और यहाँ पे बजूका ने बहुत बढ़िया स्नाइपर शॉट लिया है. एक से एक स्नाइपर खिलाड़ी है हमारे रूम में. टीम एक्स इन्फोनो डाउन है. यहाँ पे इंजन जोकर और हर्ष ने यहाँ पे नेडम नेडी शुरू कर दिया. नेट से ब्लेंडर के दो प्लेयर को डाउन कर दिया है. तेरी मौत ने ब्लेंडर ब्रिज को तो फिनिश ही कर दिया है. और यहाँ पे एक ही प्लेयर बाकी है उनका, क्योंकि ये रॉकी 18 इंसेन जिप भी उसी के पास है. ग्लिच क्लियर होगा तो पता चलेगा क्या हो रहा है. अब यहाँ पर रॉकी 18 को फिनिश करते हुए यहाँ पर इंसेन की स्क्वाड ने एक स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया है. कौन सी स्क्वाड थी कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं. ब्लेंडर की स्क्वाड थी यहाँ पे टीम इंसेन ने यहाँ पे ब्लेंडर की स्क्वाड को वाइप कर दिया है. तेरी मौत को नॉक किया था, लेकिन वो रिवाइव हो जाएंगे. टीम 17 वेपन लॉर्ड के सामने है टीम एमओडी. 4 vs 4 की फाइट यहाँ पे. और वेपन प्रोफेसर ने एमओडी एसिड को डाउन कर दिया है. एमओडी डीमन भी यहाँ पे दिख चुके हैं, एसिड ऑलरेडी डाउन है. एसिड को मान नहीं रहे, वो डीमन को ऊपर आने का वेट कर रहे हैं.
डायबलो ने यहाँ पे एमओडी डीमन को भी डाउन कर दिया, उन्हीं का वेट कर रहे थे नीचे एसिड को रिवाइव देने के लिए, वो आया और ये फिनिश कर दे। और यहाँ पे इशू और एसिड, इशू अब फिर से चांस देख रहे हैं एसिड को रिवाइव करने के लिए। और इशू भी ओपन में आ चुके हैं, यहाँ पे स्लेयर दे दिया वेपन प्रैक्टिस करने और डाउन कर दिया इशू को, फिनिश कर देंगे यहाँ पे इशू को। जी हाँ, एमओडी इशू फिनिश हो चुके हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज़ की, यहाँ पे एमओडी एसिड को नॉक रहने दिया ताकि उनके प्लेयर्स आके रिवाइव दे सके। फिलहाल तो एमओडी डायबलो घर के अंदर सेफ है, एंड सार्थक ने शायद स्पॉट कर लिया है उनको। एसिड फिनिश हो चुके हैं, एमओडी डायबलो अकेले प्लेयर बाकी है एमओडी के स्क्वाड के। कोई भी आगे जा नहीं रहा उनको अकेले को फिनिश करने के लिए, क्योंकि पता है अगर ओपन में निकले तो उनके पास बढ़िया चांस है एक ही स्प्रे में तीनों तीन को नॉक करने के लिए, इसलिए स्मोक वॉल बना के निकल रहे हैं। कर्मा ने जेनिम को डाउन कर दिया है, जेनिम फिनिश हो चुके हैं, मानो को भी फिनिश कर दिया यहाँ पे, कर्मा अलग ही फॉर्म में आ चुकी है। डायबलो अच्छा बचे हुए अभी भी, और इन जेन पीछे से आ रहे हैं, क्या सीधा रश मारेंगे उनके ऊपर, पीछे से रश करेंगे ताकि आगे से दूसरी स्क्वाड आ सके, सॉरी दूसरे प्लेयर्स उनके आ सके। डॉक्टर डायबलो आगे आ चुके हैं क्या? जी हाँ, वो आगे घर के पास आ चुके हैं। प्रोफेसर भी आ चुके हैं, नेट कुक किया है डायबलो, कहीं ना कहीं से तो एग्जिट मारने की कोशिश करेंगे। और डायबलो ने एग्जिट मारा, और यहाँ पे वेपन प्रोफेसर ने डॉक्टर एमओडी डायबलो को भी फिनिश कर दिया। यहाँ पे प्रोफेसर के 3 किल हो चुकी है वो पावर, और यहाँ पे 0.50 कैलिबर की स्क्वाड इनसे थोड़ा नज़दीक में लगती है। यहाँ पे जोन की साइज देख के अभी भी 15 टीम चलाई है। जी हाँ, यहाँ पे 0.50 कैलिबर की स्क्वाड कहीं ना कहीं नज़दीक में होनी चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पे टीम लीडर ऊपर खड़ी है, तो शायद देखते हैं ये गाड़ी लेके निकलने की सोच रही है या सामने फाइट लेने की। सामने टीम 13 है, टीम कैप्टन, टीम 13 के पास चलते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई है जस्ट रोहन प्रजापति की। इंसेंट जोकर ने टॉड रेड फॉक्स को डाउन कर दिया है, स्नाइपिंग छोड़ नहीं रहा है। यहाँ पे इंसेंट के चारों चार प्लेयर की एक एक किल है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सामने यहाँ पे बहुत सारी स्क्वाड है, यहाँ पे टोटल बीगल है, सुपारी किलर्स हैं, टीम डोमिनेटर्स हैं, जिप भी आगे निकल चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। टीओडी फैल्कन देख स्पॉट हुए अभी अभी, नेट कुक किया है, देखते हैं नेट का कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। इनको डाल दिया है, टॉड फैल्कन के पास गिरा है कि नहीं? जी नहीं, उनके नज़दीक भी नहीं गिरा। टॉड फैल्कन भागते हुए दिखे इनको, ऊपर चढ़ रहे हैं ओपन में। इंसेंट जिप्पी के पास चांस था, अभी भी चांस है, लेकिन इंसेंट जिप्पी कुछ स्पॉट हो चुके हैं, उन्हें देखा ही नहीं कहाँ पे प्लेयर। यहाँ पे फिनिश हो सकते हैं इंसेंट जिप्पी, देखते हैं बचते हैं कि नहीं। टॉड रेफेक्स आ चुके हैं, और ऊपर से स्मोक भी आ चुका है कवर के लिए, और स्मोक का यूज़ दूसरे सामने वाली टीम ने स्मोक का यूज़ कर दिया। यहाँ पे इंसेंट जिप्पी शायद नहीं बच पाएंगे, और टॉड फैल्कन फिर से नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे जोकर ने उनको फिर से नॉक कर दिया है, और फिनिश ही कर दिया यहाँ पे इंसेंट जोकर ने उनको। इंसेंट जिप्पी तो फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे क्रेटोज ने यहाँ पे SKSS थंडर को डाउन कर दिया है, शिकारी आर्स ने टेस्ला सकीब को भी डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे हर जगह फाइट हो रही है अचानक से, चलो कोई फायर शॉट्स लो तो मुझे पता चले कहाँ पे फाइट हो रही है। जी ये रही ओम है इनके पास, और यहाँ पे टीम लीडर की भी फाइट चल रही है। कितनी जगह पे जाऊँ अभी 14 स्क्वाड जलाइव हैं, पॉसिबल नहीं होगा सारी फाइट्स कवर करने के लिए। शिकारी आर्स की रिक्वेस्ट आई थी, वो सामने अकेली है। टीम शिकारी आकाश
की रिक्वेस्ट है टीम शिकारी की। चलते हैं शिकारी हर्ष के पास, अकेले हैं वो अपनी टीम के, अकेले प्लेयर बाकी है यहाँ पे। एक दो ही स्क्वाड अभी जोन के अंदर है फिलहाल। टीम इंसेंट की फाइट अभी भी शुरू है, तो अभी उधर ही चलते हैं, इंसेंट की फाइट पे ही चलते हैं। सिब्बी को गवा चुके हैं यहाँ पे इंसेंट के प्लेयर्स, अभी यहाँ पे उनके सामने फायर के प्लेयर आ चुका है, फायर कुरेशी अपना एक प्लेयर तो गवा चुके हैं। क्लॉप बीगल को डाउन करते हैं यहाँ पे, 0.50 कैलिबर वर्सेस टीम एनटीडी की फाइट हो चुकी है। क्लॉप बीगल डाउन हो चुके, फिनिश हो चुके हैं। टीम 0.50 कैलिबर के दो ही प्लेयर्स है बाकी है, शेखर बॉस और अंतर जैमे तो फिनिश हो चुके हैं। अब इनको भी शॉट्स पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से। बैटमैन ने जेनोन कर्मा को डाउन करके फिनिश ही कर दिया। और यहाँ पे टीम लीडर आज बढ़िया खेले, यहाँ पे 8 किल हो चुकी है। तेरी मौत को डाउन कर दिया है, यहाँ पे इंसेन के प्लेयर्स फिर से डाउन है, देखते हैं। इंसेन हर्ष ने डाउन कर दिया मोहित ओपी को, और सामने से एक और दो प्लेयर आ गए इनके सामने, और यहाँ पे इंसेन हर्ष भी डाउन हो चुके हैं। तो इंसेन जोकर शायद अकेले प्लेयर बाकी हैं, देखते हैं अपनी स्क्वाड को बचा पाएगी कि नहीं। और इंसेन जोकर पे रश कर दिया था INX निंजा वाइटी ने, और फिनिश कर दिया यहाँ पे उनको, टीम इंसेन को। 3 AM के प्लेयर्स यहीं पे है, सीधा जा रहे हैं शिकारी आर्ट्स के पास। 3 AM मैजिक्स गवा चुके हैं, 3 AM बजूगा के पास शायद स्नाइपर का शॉट होगा, लेकिन शिकारी आज कहीं और के सर और तरफ देख रहे हैं। शिकारी आज आगे के ही घर में है, 3 AM के 3 प्लेयर्स हैं और शिकारी आज अकेले हैं, फिर भी कोई प्लेयर आगे नहीं बढ़ रहा। और पीछे से टीम लीथल भी आ रही है जोन की तरफ, और इग्नाइट बड़ी भी जोन की तरफ ही आ रहे हैं। अब जोन की साइज देखिए, अब 11 स्क्वाड इतने जोन में, और यहाँ पे इग्नाइट की गाड़ी निकली और 3 AM के प्लेयर्स ने शॉट देना शुरू कर दिया, और 3 AM मिस्टेक ने गाड़ी फोड़ दी, और गाड़ी फोड़ के उन्होंने इग्नाइट क्लच और बड़ी दोनों को फिनिश कर दिया है। शिकारी आज ओपन में आ चुके हैं, और आज ने 3 AM बजुआ की हेल्प बहुत कम कर दी है, और क्रेटोस ने यहाँ पे थर्ड पार्टी कर दिया। तो 3 AM बजुआ और टीम इंफर्नो डाउन है, शिकारी आज एजे सर ने उनको डाउन किया है। शिकारी आज भी स्पॉट हो चुके हैं, अकेले प्लेयर बाकी थे और वो फिनिश हो चुके हैं। टीम लीडर के पास चलते हैं, किलर भी डाउन है यहाँ पे। फायर कुरेशी ने भी जल से मार दिया है बीच में से, अचानक उन्होंने भी थर्ड पार्टी ऑलरेडी उड़ दी, अब उसके अंदर उन्होंने फोर्थ पार्टी शुरू कर दिया। और टीम 15 भी आ रही है यहाँ पे, और टीम 15 की भी एंट्री हो चुकी है भैया। एक और स्क्वाड की एंट्री, एजे सर को किल मिल चुकी है टीम एक्स इन्फोनो की। 3 AM बजुआ भी नॉक है, और उनको उनकी भी किल मिल चुकी है, 3 AM का एक ही प्लेयर बाकी है। और INX निंजा वाइटी ने 3 AM मिस्टेक को गाड़ी से फिनिश कर दिया है। किलर अभी भी नॉक है, रिवाइव दे देना चाहिए उनको, अभी भी टाइम है, और रिवाइव दे दिया है बैटमैन ने। और एजे सर ने रिवाइव होते ही तुरंत INX निंजा को डाउन करके यहाँ पे क्रेटोस ने SKS से उनको फिनिश कर दिया है। बहुत बढ़िया, टीम लीगल की बार आखिर यहाँ पे सामने है। टीम 15 टीम सुपारी किलर्स के दो प्लेयर सामने की तरफ आ चुके हैं, पीछे है। और शॉप बिगल ने फायदा लिया यहाँ पे, मोहित ऑप को भी डाउन कर दिया है। टीम 15 के यहाँ पे टॉड रेड फॉक्स अकेले प्लेयर बाकी है, गाड़ी फोड़ के कवर लेने की कोशिश की, यहाँ गाड़ी फोड़ दी, अच्छा कवर मिलेगा इनको। पीछे शॉप ईगल है, और यहाँ पे क्रेटोस ने SKS शुरू कर दिया चलानी। फायर कुरेशी ने बैटमैन को ऑम से डाउन कर दिया यहाँ पे फिलहाल, देखते हैं क्रेटोस क्या करते हैं। क्रेटोस के सामने ही है टॉड फ्रैक्स, अभी भी दिख रहे हैं उनको, खड़े हो जाना चाहिए। और हेल्थ तो बढ़ा ली इन्होंने, बहुत छोटा पेड़ है, पतला पेड़ है, इजीली शॉट लेना चाहिए। दिख चुके ओपन में आ चुके हैं, रिलोड का टाइम गलत टाइम पे आ चुका है, अकेले प्लेयर बाकी है यहाँ पे टेड फॉक्स, और यहाँ पे क्रेटोस ने फिनिश कर दिया टेड फॉक्स को भी। फायर कुरेशी कब से पीछे से अकेले अकेले फायदे ले रहे हैं यहाँ पे, जोन के एज पे खड़े हैं, उनके पास बचने का कोई चांस नहीं है, वो उनकी गाड़ी ख़त्म कर देंगे शायद। और फायर कुरेशी को बैटमैन ने ख़त्म कर दिया। टीम लीथल आज अलग फॉर्म में है भैया, 14 किल हो चुकी है। अब यहाँ पे हिटमैन बीगल डाउन है, तो चलते हैं टीम बीगल के पास, यहाँ पे हिटमैन बीगल डाउन है, नीचे वेपन लॉर्ड की स्क्वाड आ चुकी है। हाइबर्ट बीगल को भी डाउन कर दिया यहाँ पे, बाबूराव आपते और शेट बीगल दोनों अकेले प्लेयर बाकी है, देखते हैं अपनी टीम को बचा पाएंगे या नहीं। शेट बीगल थोड़े ओपन में आ चुके हैं यहाँ पे, बाबूराव आपते को भी डाउन कर दिया। तो अब यहाँ पे शेट बीगल अकेले प्लेयर बाकी हैं, वेपन प्रोफेसर के पास, और यहाँ पे वेपन डायलो ने हिटमैन बीगल को फिनिश करते हुए शेट बीगल को भी ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे टीम वेपन लॉर्ड ने टीम बीगल को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। और अचानक गेम में ट्विस्ट देखे आप, यहाँ पे अभी 4 स्क्वाड अलाइव है, 13 प्लेयर्स, NTD का एक प्लेयर, क्लॉप बीगल, लीथल के चारों चार प्लेयर बाकी है। टीम 12
टीम डोमिनेटर्स के चारों चार प्लेयर बाकी और वेपन लॉर्ड के भी चार प्लेयर। वेपन लॉर्ड के भी आज कम किल नहीं है, 11 किल है उनकी, लीथल की 14 किल है जोन के अंदर और बहुत कम हेल्थ में तो जोन के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। और क्लॉ बीगल यहीं पे है, यहीं पे लेटे हुए क्लॉ बीगल, उनके सामने से गाड़ी पास हुई है। अब लीथल की गाड़ी तो पहुँच चुकी है टीम वेपन लॉर्ड के पास और वेपन लॉर्ड ने यहाँ पे आर एक्स जेड शनुज ने स्पॉट कर लिया था, एजे सर को तो डाउन कर दिया। आरएसएस चनुज ने आगे रश तो मार दिया है, टीम लीथल के ऊपर रश कर दिया है, नेट कुक किया डाला है, लीथल स्पॉट हुआ और आरएसएस चनुज ने क्रेटोस को भी डाउन कर दिया है। तो टीम लीथल के यहाँ पे दो प्लेयर डाउन है, बैटमैन सॉरी क्रेटोस और एजे सर। ये टीम रोज बहुत क्लीन करती है, आज पहली बार शांत है और अचानक से इन्होंने लास्ट सर्कल में फाइट शुरू कर दी है। वेपन डायलो ने बैटमैन को फिनिश कर दिया और पीछे से थर्ड पार्टी हो चुका है, डेविल यश ने एजेस सर को फिनिश कर दिया है। बैटमैन को फिनिश कर दिया, यहाँ पे किलर बढ़िया खेल रहे हैं, यहाँ पे किलर ने राज सिंह को डाउन कर दिया, किलर अकेले प्लेयर बाकी है, यहाँ पे स्मोक का बढ़िया यूज किया है यहाँ पे। और क्रेटोस भी रिवाइव हो चुके थे और राज सिंह यहाँ पे नॉक पड़े हैं, बहुत बढ़िया स्प्रे, यहाँ पे दो प्लेयर नॉक पड़े हैं, यहाँ पे किलर ने दो प्लेयर उनको फिनिश कर देना चाहिए, अभी के अभी फिनिश कर देना चाहिए, उनका एक ही प्लेयर बाकी है बिना नाम वाला, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर अगर टीम फिनिश करे तो उनका एक ही प्लेयर बाकी है, वो फिर अकेले इनके ऊपर भारी नहीं पड़ सकता। और ये प्लेयर अकेले ऊपर में आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया स्प्रे, किलर ने अकेले तीन प्लेयर को डाउन किया है, ओपी किलर ओपी, बहुत बढ़िया किलर ने टोटल तीन प्लेयर को डाउन किया सामने वाली टीम के। वेपन लॉर्ड की स्क्वाड यहाँ पे थर्ड पार्टी करी थी और वो यहाँ पे अब आ चुकी है फाइट लेने के लिए, क्रेटोस को डाउन कर दिया है, अब देखते हैं क्लियर अकेले क्या करते हैं, क्रेटोस फिनिश हो चुके हैं, एंड सार्थक आए हैं, चांस और नॉक फिनिश कर दे बेटा, बुलेट फिनिश कर दे, बहुत कम हेल्थ है, एक और प्लेयर आ चुका है और उन्होंने वेपन डॉक्टर डायब लोन उनको फिनिश कर दिया है। क्रॉप बिगल कब फिनिश हो गए मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चिकन डिनर निकाल दिया वेपन लॉर्ड की स्क्वाड ने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम वेपन लॉर्ड, बहुत ही बढ़िया खेली है आज, उनके भी देखिए कम किल्स नहीं है, टोटल उनकी 15 किल्स है। सेकंड पे है टीम लीथल, ओवर पावर थी पूरी की पूरी स्क्वाड, यहाँ पे उनकी टोटल 18 किल्स है, बहुत ही बढ़िया। थर्ड पे है टीम डोमिनेटर्स 3 किल, फोर्थ पे है टीम एंटिटी 1 किल है, फिफ्थ पे है टीम बीगल 0 किल, सिक्स पे है टीम फायर जिनके दो ही प्लेयर थे 5 किल है, सेवन्थ पे कौन सी स्क्वाड है टीम, मुझे उनका नाम नहीं पता शायद, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया खेली, यहाँ पे उनकी भी 5 किल है, सेवन्थ पोजीशन पे जो आई है। तो भैया मिलते हैं कल सेम टाइम सेम एंथुजियाज्म के साथ यही जगह पर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय टीम बेगल। तो भैया